पंजीकृत कार्ड धारकों के लिए खाद्यान्न की कमी के कारण सैकड़ों परिवारों पर भूखमरी का समय आ गया है। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने ऑनलाइन ऑफलाइन छगन भुजबल खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री को भेदभाव के बिना सभी कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करने की मांग की है। जिला आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से यह आदेश प्रस्तुत किया गया था। इस अवसर पर शिवसेना तालुका प्रमुख अनिल गायधने उपस्थित थे। भंडारा जिले में 2,67,688 कार्ड धारकों को ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है और उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे राशन प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि जिन परिवारों के पास कोई ऑनलाइन पंजीकरण कार्ड नहीं है, ऐसे कुल 43,688 लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री के रूप में कोई भी भूखा न सोए, इसलिए आगे बढ़कर सभी कार्ड धारकों को निशुल्क अनाज वाटप के आदेश संबंधित मशीनरी देने की मांग आमदार नरेंद्र भोंडेकर इन्होंने की है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना ताजा खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूले। गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ऐप को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। Thank you.